5000 वर्ष पहले जिस कुरुक्षेत्र में कृष्ण कन्हैया ने अपनी पूरी लीलाएं रची थी और उसका साक्षी अगर कोई उस समय बना था, यमुना मैया बनी थी, यमुना मैया को प्रदूषित करके क्यों छोड़ दिया गया? यमुना मैया की आवाज देश की संसद में उठी थी और मित्रों देश की संसद में उसी समय जब नमामि गंगे परियोजना बनी थी तो नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से फिर भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज आप देखते होंगे नमामि गंगे परियोजना के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है और नमामि गंगे के माध्यम से आज प्रयागराज में आप जाएंगे तो प्रयागराज में कुंभ करने के लिए जो हमारे पूज्य संतजन जाते हैं या माघ मेले में गए उनको प्रयागराज बदली में प्रयागराज दिखाई दे, वहां पे उन्होंने संगम में पाप शुद्ध जल को देखा। लेकिन अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की ही पारी है और इसके बारे में हमारी कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है।